वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे बेटा, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर टेन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी के हिसाब से। और उस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। यही है। तो देखिए पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर पे हमने केवल इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि फ्लूइड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बात किया था। फिर हमने ये देखा था कि सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा था कि कोहेसिव फोर्स और नॉन कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि ये किस चीज पर निर्भर करता है या नहीं। आज बेटा उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। आज से बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी शुरू होंगी। जो चैप्टर का नाम है वो आज से ही मतलब उसका बेसिक शुरू होगा। तो जैसे आप हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, या लिख सकते हो हेडिंग डालो फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तरल के गुण, तरल के गुण। तो सबसे बेटा अच्छा, अब सबसे पहले बात आएगी बेटा किसके बारे में? आपकी बात आएगी डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात आएगी बेटा? डेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा डेंसिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे बेटा? घनत्व। क्या कहते हैं बेटा? घनत्व। अच्छा देखो, अभी तक यदि आपसे पूछा जाए कि सर डेंसिटी किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा है कि ये मास अपान वॉल्यूम होता है। क्या होता है? तो आप भी ये लिख लीजिए, फिर हम इसका मीनिंग देखते हैं। लिखिएगा यह एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान होता है, ठीक है। या आप लोग कुछ में से और लिख सकते हैं, कोई और लोग क्या लिख सकते हैं कि यह है द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात है। बेटा ये लिख सकते हैं ना, का अनुपात होता है। बात समझो बेटा, अनुपात होता है, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है बेटा? उसका घनत्व कहलाता है। या आप में से कोई यह भी कह सकता है कि यह द्रव्यमान तथा आयतन का क्या है बेटा? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। अब देखो बेटा, इससे फील नहीं आ रही ना। अब देखो फील के लिए मैं बताता हूं। फील के लिए यह क्या है कि बेसिकली कौन सा कली? बेसिकली डेंसिटी क्या बताती है? देखना, ध्यान समझना। डेंसिटी यह बताती है कि आपका निश्चित आयतन में, किसी निश्चित आयतन में उस पदार्थ के कितने अणु मौजूद हैं। बात समझ में आई? एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटा? डेंसिटी कहलाती है। फिर से समझो, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? डेंसिटी। घनत्व कहलाता है। लिखिएगा किसी दिए गए आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या उस वस्तु का घनत्व कहलाती है। का घनत्व कहलाती। बात समझ में आई? क-
कह रहा है कि जितना, अब देखो बात समझो, किसी दिए गए आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या उसका क्या कहलाती है बेटा, घनत्व कहलाती है। ठीक है, लिखिएगा अगला। किसी पदार्थ में जितने अधिक अणु होंगे उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आई? पदार्थ में भाई अणु ज्यादा होंगे तो बेटा क्या होगा, उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक होगा तो क्या होगा बेटा, तब इससे उसका घनत्व भी अधिक होगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप कह सकते हो कि यदि एकांक आयतन में, जैसे मान के चलो कि बेटा ये आपका एक एग्जांपल है, ये आपका एक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, आयतन जो इसका दिया हुआ है वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब, और इसमें मान के चलो कि कोई एक पदार्थ है जिसके अणुओं की संख्या मान के चलो कि यहां पर कितनी है 2000, कितनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान के चलो कितनी है बेटा 2000 है, ये ए है, ठीक है, और ये रहा बी, इसका भी वॉल्यूम बेटा कितना है, वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ वो है मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके कम है, ये मान के चलो कि बी मटेरियल है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स ये आपके मान के चलो कि कितने हैं 1500 है, कितने हैं बेटा 1500 है, कितना बेटा 1500 है। तो अब बताओ मुझे डेंसिटी किसकी अधिक होगी, किसकी डेंसिटी अधिक होगी, देखो आयतन कैसा है बेटा, दोनों का एक समान है, आयतन कैसा है दोनों का एक समान है, तो जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा वह उसका घनत्व तो उतना ही ज्यादा, तो डेंसिटी किसकी अधिक होगी, ए की, तो डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बी, सॉरी ए की बड़ी होगी किससे बेटा, बी से। ये तो आपके एग्जाम्पल के कारण होता है। अच्छा और बेटा डेंसिटी को हम, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, और इसकी जो बेटा यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट आपकी क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर क्यूब। चलिए नोट करिए, फिर कुछ के हम लोग जो महत्वपूर्ण जो आपके मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी हम लिख के फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए बेटा तब तक इसे। अगला पॉइंट बेटा लिखिएगा कि डेंसिटी से ना हमें यह पता चलता है कि कोई पदार्थ कितना भारी है और कितना हल्का है, तो लिखिएगा घनत्व से हमें पदार्थ के भारी या हल्का होने का पता चलता है। बात समझ में आई? जिसके एकांक आयतन में जितने ज्यादा अणुओं की संख्या, बात समझ रहे हो बेटा, जिसके एकांक आयतन में अणुओं की संख्या जितनी अधिक उतना ही उसकी डेंसिटी अधिक। इस हिसाब से हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड
डेंसिटी ऑफ गैस। बात समझ में आई कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद बेटा लिक्विड की, और उसके बाद गैस की। बात समझ में आ गई। ये बेसिकली आपको पता था, फील भी हो रहा होगा, अब जाके फील हुआ होगा कि भाई एकांक आयतन में, बात समझ रहे हो बेटा, एकांक आयतन में, जैसे आपने आयतन ले लिया, मान के चलो कि एक छोटी सी गेंद ले लिया, जो आपकी गेंद आती है जिससे हम लोग खेलते हैं, तो कैसी होती बेटा, सॉलिड होती है, तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यदि उतना ही पानी ले लें तो, क्योंकि पानी के अणु क्या होते हैं, सॉलिड की अपेक्षा कैसे होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाए, कम हो जाएंगे, और उतने में एयर के मॉलिक्यूल्स और कम होते हैं, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी इस क्रम में होती है। चलिए कुछ आपके मटेरियल्स हैं उनका लिख लेते हैं। तो जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा, मतलब पानी की जो डेंसिटी होती है 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर आपकी जो मरकरी की डेंसिटी हो, मतलब पारा की जो डेंसिटी होती है, वो होता है 13.6 × 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और बेटा यदि मैं एयर की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एयर की, एयर मतलब हवा, तो उसकी डेंसिटी होती है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। फिर बाद में आपका एक बेटा आता है क्या, एक आपका आता है पेट्रोल, क्या आता है बेटा, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है 750 केजी पर मीटर क्यूब होता है, कितना होता है 750 केजी पर मीटर क्यूब। और जो आपको जो डीजल होता है बेटा, क्या होता है डीजल, इसकी जो डेंसिटी होती है ये बेटा होती है 850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। तो ये चीजें हैं। अच्छा बेसिकली कुछ चीजों के बारे में और डेंसिटी में बात किए ले रहे हैं, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, कि डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखो डेंसिटी ना बेटा, यदि किसी मटेरियल की आपको डेंसिटी पता है, किसी मटेरियल की आपको डेंसिटी पता है, और इसमें बात आती है खास करके प्रेशर की। अभी देखो प्रेशर के बारे में हम लोग एग्जैक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फील तो होगा ना, प्रेशर किसे कहते हैं ना, दाब, अब उतना ही काफी है, ठीक है। प्रेशर के लिए बॉडी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्लोज्ड, कैसी होनी चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। क्लोज सिस्टम का मतलब बेटा चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम का मतलब चारों तरफ से बॉडी क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। अब यदि आप प्रेशर क्या करोगे बेटा, बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो जैसे मान के चलो कि ये आपने बेटा एक अरेंजमेंट लिया है, नीचे से आपने क्या कर दिया है, पिस्टन लगा दिया, ये क्या है, पिस्टन है, जो पिस्टन क्या करता है बेटा, ऊपर नीचे घूम सकता है, ठीक है। अब इसमें एयर भरी हुई है, क्या भरी हुई है, एयर। तो अभी देखो इतने, ये जो आपका जो पास आयतन होगा वो अभी मान के चलो कितना है, ठीक है, ये मान के चलो कि आयतन आपका कितना है, 1 मीटर क्यूब, कितना है बेटा आयतन, 1 मीटर क्यूब। इसमें कुछ अणु है, अब मैं इसको दबाना शुरू किया, दबाऊंगा तो आयतन क्या होगा बेटा, घटेगा, आयतन घटेगा, तो आयतन घटने पे क्या हो रहा है, कम आयतन में उतने ही मॉलिक्यूल रह रहे हैं, यानी कि डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि डेंसिटी क्या बताती है, एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो यानी कि आप यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा अब देखो यदि मान के चलो कि अब बात आती है किसकी बेटा, टेम्परेचर की, किसकी, टेम्परेचर की यदि मैं बात करूं, तो यदि आप किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बेटा, क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर, जैसे आपने क्या ले लिया बेटा, पानी ले लिया, उसको नीचे से क्या किया, गर्म किया, तो पानी कुछ देर बाद बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में, यानी कि पानी के अणु जो अभी क्लोज क्लोज थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, क्या हो गए, दूर दूर हो गए, यानी कि एकांक आयतन में अभी जितने अणु थे बाद में क्या हो गए, कम हो गए, तो यानी कि उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। यानी कि देखो यदि आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया है, तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी
घटेगी। क्लियर हुआ बेटा, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते। चलिए बेटा, तो डेंसिटी आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगली हेडिंग है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, या इसी को कहते हैं वेट डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा? वेट डेंसिटी। डेंसिटी हिंदी में आप लोग अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो? भार घनत्व। क्या क्या कहते हैं इसे? भार घनत्व। और इसको बेटा मैं स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। तो इसको पता है कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? लिखिएगा, यह भार तथा आयतन का अनुपात होता है। यह भार तथा आयतन का अनुपात होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा? यह भार तथा आयतन का अनुपात होती है। ठीक है, अच्छा, जब ये पता चल गया बेटा, यानी कि इसकी एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी? ये भार तथा आयतन का, भार तथा आयतन का। भार भी एक तरीके से क्या है बेटा? लोड है। लोड यानी कि फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। और आयतन का क्या होता है बेटा? मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। लिख दीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब है। न्यूटन पर बेटा मीटर क्यूब है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसको बेटा हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है। वह तरीका यह क्या है? लिखिएगा, वास्तविकता में यह किसी दिए गए आयतन के आयतन का भार गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है? वास्तविकता में यह किसी दिए गए आयतन का भार, मतलब बात समझ रहे हो? आयतन मतलब भाई किसी का आयतन होगा, बात समझ रहे हो? तो उसका कितना भार है, किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। वही क्या कहलाता है बेटा? स्पेसिफिक वेट कहलाता है। देखो बात समझो, जैसे अभी समझ में आ जाएगा, जैसे इसका यदि मैं वो करूं तो इसको मान के चलो कि वैल्यूम कितना है? वैल्यूम है आपका वी है। वैल्यूम कितना है बेटा? वी है। ठीक है, और ये कितना है बेटा? वैल्यूम वी है। और इसका जो, तो इस पे मान के चलो कि कोई लिक्विड भरा हुआ, कुछ भरा हुआ जिसका द्रव्यमान कितना है बेटा? एम है। द्रव्यमान कितना है? एम है। तो ग्रेविटी लगेगी ना, ग्रेविटी जी नीचे की ओर लगेगा ना बेटा। आयतन का भार गुरुत्वीय त्वरण के कारण, लिख रहा है, देखो बेटा साफ साफ लिख रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है। यानी कि ये क्या दिया है? ये वेट इज इक्वल टू क्या दिया है? वेट इज इक्वल टू एम जी अपॉन वी।
mg अपॉन v। बात समझ में आई कि किसी दिए गए आयतन में, किसी इधर देख लो तो चीजें समझ में आए, किसी दिए गए आयतन में उस आयतन में कितने अणु उपस्थित हैं, उसका भार कितना लग रहा है या उसका भार के कारण कितना फोर्स लग रहा है, वह क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वेट कहलाता है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। यानी कि यह क्या है, यह फ्लूइड के द्वारा लगाया गया बल है जो किसके कारण लगता है, ग्रेविटी के कारण। कब लगता है? किसी आयतन के, भाई किसी आयतन में कोई आपने क्या किया कि भाई जब आपने फ्लूइड लेंगे तो उसमें आयतन तो होगा ही, तो उस उतने आयतन के फ्लूइड का भार कितना होगा या वह कितना बल लगाएगा, वही क्या कहलाता है बेटा, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। ठीक है, यदि बेसिकली आप लोग देखो तो यहां से वेट या स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी जो भी आप लिखना चाहो, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये क्या है, वेट डेंसिटी बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, यही है ना बेटा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वो हो बहुत बढ़िया। अब वेट कितना हो जाएगा बेटा, एम जी, वॉल्यूम बेटा v, और यदि इसकी बेटा डेंसिटी भी दे दे, क्या दे दे कि इसकी डेंसिटी रो है, क्या दे दे बेटा, डेंसिटी रो दे दे, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या होता, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, एम अपॉन रो, एम अपॉन रो लिख सकते हो ना बेटा, mg अपॉन मास अपॉन रो, तो रो नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये से ये कैंसिल, यानी वेट डेंसिटी w बराबर क्या हो जाएगा, g रो, वेट डेंसिटी हो जाएगा। चलिए ठीक है, वेट पर वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं, वेट डेंसिटी बराबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसके बराबर होता है, ये W बराबर रो जी के, किसके बराबर होता है, W बराबर रो जी के। और एक चीज और देखना, यदि आपको किसी का वेट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वेट निकालना है, तो क्या करोगे, ये जो स्पेसिफिक वेट आया है, स्पेसिफिक वेट क्या आया है, इतना, इसमें क्या करोगे, यदि आयतन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वेट नहीं मिल जाएगा, बात समझो ना भाई, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा तो उसका भार मिल जाएगा। यानी कि आपको यदि क्या चाहिए, वेट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, भार, भार यानी कि वेट। अच्छा ये जो वेट है ये अलग है बेटा, बात समझ रहे हो, ये पानी का या लिक्विड में जब किसी का भार लिखते हैं ना, तो यहां से तो ये कितना हो जाएगा, W इंटू वी, ये V क्या है बेटा, वॉल्यूम, W क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा, W बराबर रो जी वी, बात समझ में आई। तो अब एक चीज आप ध्यान रखोगे कि यदि लिक्विड या फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के अंदर यदि आपको किसी का क्या बताना है, वेट बताना है, क्या बताना बेटा, वेट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कैसे बताओगे कितना होगा, रो जी वी, फिर से बताओ, लिक्विड के अंदर किसी का भार कितना होता है, रो जी वी, रो जी वी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए बेटा इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसे, विशिष्ट, विशिष्ट, अरे कैसे लिखते हैं, विशिष्ट लिखते हैं ना, विशिष्ट गुरुत्व। चलिए देखो अब इसकी बात समझना बेटा,
ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा, इस बात को ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है, क्या होता है, अनुपात है, ठीक है। पहली बात, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, पहली बात ध्यान रखना, यह सेम का अनुपात है, ठीक है ना, ये सेम चीजों का ही अनुपात है, तो जो उसकी यूनिट होगी वो नीचे वाले की यूनिट होगी, क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्लियर। अच्छा अच्छा, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो या स्पेसिफिक डेंसिटी कह लो, क्या कह लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो या स्पेसिफिक डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों कहते हैं बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहां पर क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसका रेशियो होगा बेटा, डेंसिटी का, किसका रेशियो होगा, डेंसिटी का। अच्छा, ये तो सर पता चल गया कि सर ये डेंसिटी का है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन सर ये किसकी डेंसिटी है, तो देखो बात समझो, यह किसी एक फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, क्या होता है बेटा, फिर से, यह फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, फिर से समझो, डेंसिटी किसी मटेरियल की, ठीक है, या किसी फ्लूइड की डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी, नहीं आई बात समझ में, क्या है, इट इज द रेशियो, देखो इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ए फ्लूइड डेंसिटी विथ स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी, बात समझ में आई, तो लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिखेंगे, यह किसी वस्तु अर्थात, किसी वस्तु अर्थात फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल होता है, यह किसी वस्तु अर्थात तरल के घनत्व तथा स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व का अनुपात होता है, अनुपात होता है, बात समझ में आ गई, अब तो आ गई होगी ना बेटा, ये क्या है, किसी फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैं या स्पेसिफिक डेंसिटी को मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे, एस से, स्पेसिफिक डेंसिटी को मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करता हूं, क्लियर है। ये बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फिर से देखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यार बेटा इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड को क्या कहते हैं, मानक तरल, क्या कहते हैं, मानक तरल, क्लियर। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है बेटा और नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्लियर है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने डेंसिटी तो हमें पता चल गई कि चलो जो भी फ्लूइड होगा उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो वो तो डेंसिटी तो मान के चलो कि हमें नहीं पता ही है, पता है जो भी है, लेकिन सर स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होता है सर, ये तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो बेटा स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के केस में, बेटा किसके केस में, लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव के केस में जो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे वो क्या लेंगे, वाटर, क्या लोगे बेटा, वाटर। द्रव के केस में, द्रव के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होगा बेटा, वाटर, ठीक है, और गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर,
क्लियर। तो लिख लेना कि द्रव के लिए, द्रव के लिए मानक तरल, मानक तरल यानी कि स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, क्या लेते हैं बेटा? वाटर। क्लियर, क्लियर हो गया। और किसके लिए बेटा? गैस के लिए क्या लेते हैं बेटा? गैस के लिए स्टैंडर्ड या मानक तरल, मानक तरल स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेते हैं बेटा? एयर। क्लियर, वायु और ये पानी, पानी दा। चलो क्लियर हुआ, चलो। अच्छा ये तो हो गया, क्लियर हो गया ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं, ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो यह बताता है, पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि कौन सा फ्लूइड, कौन सा तरल या लिक्विड जो भी है, कौन सा लिक्विड पानी से हल्का है या कौन सा लिक्विड पानी से भारी है, ठीक है ना? क्योंकि ये तो उसका रेशियो है, दे रहा है ना बेटा डेंसिटी का। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा क्या है, पानी से भारी है या कौन सा हल्का है। तो लिखिएगा, विशिष्ट घनत्व से हमें यह पता चलता है, विशिष्ट घनत्व से यह पता चलता है कि कौन सा लिक्विड पानी से भारी है या हल्का है। बात समझ में आ गई? तो इस बारे में बेटा हमें पता चल जाएगा, ठीक है? यानी कि ये जो आपका स्पेसिफिक डेंसिटी, S बराबर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है ना? स्टैंडर्ड फ्लूइड, यप, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब पता है बेटा किस काम आता है? यह बता देगा कि आपने जो, देखो ये किस काम आता है, अब इसका वो देखो ना, हथियार तो मिल गया लेकिन इसको चलाना कैसे है ये भी तो पता चल जाए ना। देखो इसमें पता, किसी क्वेश्चन में दे देगा कि हमारे पास कोई तरल है लेकिन उसका डेंसिटी नहीं देगा, उसका डेंसिटी नहीं देगा, क्या देगा? स्पेसिफिक डेंसिटी। क्या देगा? कह देगा को उसका स्पेसिफिक घनत्व, विशिष्ट घनत्व इतना है, विशिष्ट घनत्व इतना है। तो मतलब कुछ और पूछेगा तो उसकी हमें क्या चाहिए होगा बेटा? उसकी तो हमें डेंसिटी चाहिए होगा ना लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी किसकी आ जाएगी? S इंटू 3, ठीक है? ध्यान देना, जब भी कहीं लिक्विड की बात आए क्या लगाओगे? वाटर की डेंसिटी। और जब भी कहीं गैस आए तो उसके लिए क्या लगाओगे? एयर की डेंसिटी। मैंने लिखवा रखा है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। और इसकी एयर की लिखवा रखा 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? यानी कि अब जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल एस आपको दिया हुआ बेटा कितना? 0.75। कितना दिया हुआ है? 0.75। अब आपको पूछा है कि ये कौन सा फ्लूइड है, ठीक है? कौन सा फ्लूइड है या जो भी ये फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? तो हाई निकालते हैं बेटा, हाई। तो S बराबर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही तो होता है। यानी कि आपको क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ बेटा फ्लूइड निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा? S इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो बेटा S, S आपको कितना दिया? 0.75।
अच्छा सर ये क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका वाटर का, किसका, वाटर का ना। तो सर ये तो वाटर का कितना होता है 10^3। सर ये तो आप गया आपका 750 kg/m³। सर ये क्या आया है, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि सर ये तो पेट्रोल है। क्या है बेटा, पेट्रोल। तो ऐसे दे देगा बेटा, क्लियर हुआ। अच्छा यदि कहीं पे S बराबर 1 दे दे, कितना दे दे बेटा, S बराबर 1। सर अब तो ये तो पहला था, सर S बराबर 1 दिया है, सर ये कौन सा लिक्विड होगा। अरे कंबक्तों देखो, S बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या करो सर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें चाहिए, तो S इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर S1 इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर 10^3। सर ये भी 10^3 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया बेटा, पानी। ये भी क्या है, पानी का रंग देख के ये क्या है, पानी आया ना। अगर एयर में निकालते तो यदि एयर में निकालते तो वो दिए रहेगा ना कि एयर है कि क्या है, ठीक है ना। तो जब एयर की बात कर देगा तो जहां पर स्टैंडर्ड फ्लूइड लिखे ना बेटा, क्या लिखे, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड 1.2 कर देना। क्या कर देना बेटा, 1.2 भड़ाक से आ जाएगा, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। अब जैसे मान के चलो कि एस आपको दे दिया है बेटा, आपको दिया है 13.6, कितना दिया है 13.6। अब यदि पूछे कि ये कौन सा बेटा फ्लूइड है, तो फिर से सर S बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सर हमें क्या निकालना है, सर हमें तो निकालना है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू क्या, यहां से S इंटू डेंसिटी ऑफ सर स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है सर। तो यहां से S कितना है 13.6 इंटू स्टैंडर्ड फ्लूइड बेटा 10^3। सर ये तो सर पारा लग रहा है, सर पारा है ना, मरकरी। सर ये तो मरकरी के लिए है सर, ये क्या है, ये जो लिक्विड आया है ये कौन सा है, मरकरी है सर, जो कि क्या है। अच्छा ये चीजें क्लियर हो गई ना। देखो आपने तीन चीजें निकाली, S S S। जब आपका S ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है बेटा, S आपका यदि 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है 1 से, तो इसका सीधा सा एक मतलब है कि ये जो भी मटेरियल दिया हुआ है उसकी डेंसिटी जो है पानी से अधिक है, पानी से अधिक है, यानी कि ये कैसा है, हैवियर देन वाटर। ये कैसा है, हैवियर देन वाटर। Heavier than water. Clear हुआ कि नहीं बेटा? ये कैसा होगा? यदि S एक से बड़ा है, तो पानी से कैसा होगा वो मटेरियल? बड़ा होगा। यदि S less than one है, यदि S कैसा है? Less than one है, तो lighter than water. कैसा है? Lighter. Lighter मतलब थोड़ा सा, मतलब उससे छोटा है। लाइटर का मतलब क्या है, लाइट वेट। जैसे आपने पढ़े हो, नहीं हो यार, उसका बहुत लाइट वेट है, उसका बहुत हैवी वेट है, बस समझ। लाइट वेट का मतलब कम भार वाला, क्या है, कम भार वाला। तो ये क्या हो जाएगा, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। बात समझ में आई, लाइटर देन का मतलब ये उससे हल्का होगा, पानी से हल्का है, पानी से भारी है। और यदि S बराबर बेटा क्या है, 1 है, तो इसका क्या मतलब है, पानी खुद है, पान वाटर इटसेल्फ, वाटर इटसेल्फ। क्लियर, इसका क्या मतलब हुआ, पानी खुद है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, आपको पता होगा, पिछले लेक्चर पे बता चुके थे, पिछले लेक्चर पे क्या, पिछले चैप्टर पे बता चुके थे, क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो कल उसी पर कुछ और चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि ये टेम्परेचर वगैरह पे कैसे बिहेव करता है, या प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या सारी चीजें होंगी, फिर वेपर प्रेशर वगैरह पढ़ेंगे, फिर सरफेस टेंशन हम लोग अभी ही देख लेंगे, ठीक है, बाद के हिसाब से नहीं छोड़ेंगे, सरफेस टेंशन के बाद ये बबल वबल करने के बाद ना अपन लोग इत्मीनान से प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक।
तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।